हेलो माय डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन माय डियर फ्रेंड्स मैं अजीत तिवारी के यूट्यूब चैनल इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन कैसे हैं आप लोग माइडर फ्रेंड्स आपके लिए एक अनाउंसमेंट है अभी मैं आपको इस बात को थोड़ी देर बाद फिर आपको दोबारा बताऊंगा गाइज इस हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनवायरमेंट जोग्राफी के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है यस्टरडे आई टुक इंट्रोडक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी आज हम लोग उसका क्विक रिकैप करेंगे और फिर सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। वेरी वेरी गुड इवनिंग दीप भूपेंद्र गुड इवनिंग हाउ आर यू और गाइस हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं माय फ्रेंड्स सो अजीत तिवारी फैकल्टी फॉर कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल जीएस जोग्राफी एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सो ऑन अगर मैं जीएस जोग्राफी की बात करूं दैट मीन्स फिजिकल जोग्राफी इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी अल्टीमेट मैपिंग सेगमेंट इन सारी बातों के साथ आई हैव मेंटेड मोर देन टेन लैक स्टूडेंट्स और अगर अभी तक आपने मुझे अनकैडमी पे फॉलो नहीं किया so, आप मुझे फॉलो कर लें हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोस्ट गोइंग टू अपेयर इन प्रीलिम्स दिस और जो अगले साल देंगे उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनेगा आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी हमें इन बातों को और समझने का प्रयास करना है तो गाइस टुडे इज लेक्चर टू क्या आप लोगों ने लेक्चर वन देखा था अगर आपने नहीं देखा नहीं देख पाए तो गाइस क्या करेंगे आप लेक्चर वन को भी देख लेंगे अगर कोई बात आज आपको समझ में नहीं आई तो क्योंकि तो मैं उसका क्विक रिकैप दूंगा माइडि बिग अनाउंसमेंट फॉर यू यहां हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील कर रहे हैं अनकेडमी के लर्निंग ऐप आप पे आपके लिए मैं कल दो इंपॉर्टेंट सेशन बिल्कुल फ्री लेकर आ रहा हूं करंट अपडेट्स ऑन एनवायरमेंट एंड जोग्राफी हम इसमें अगस्त मंथ के अगस्त 21 के टॉपिक्स डील करेंगे दो सेशंस होंगी One at 6 PM, other at 8 PM. क्या करना है अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना है अजीत लाइव सो माइड यूज कोड अजीत लाइव टू अनलॉक दिस फ्री सेशन आप इसके लिए कोड यूज कर लें माइड फ्रेंड्स एक औसम टीम अनकेडमी की आपके प्रॉपर यूपीएससी सी एस सी मेटरिंग के लिए अवेलेबल है गाइस ओके okay, बिल्कुल बिल्कुल तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा इन ऑल केसेस गाइस हर संडे 11 एम फ्री टेस्ट सीरीजेडमी कॉम्बैट अवेलेबल है क्या करना है यूज कोड अजीत लाइफ फॉर दैट माई रेफरेंग एनाउंसमेंट अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन की फी हाइक होने वाली है गुड इवनिंग मणिकांत वेलकम और क्वेश्चन इज ऑन ऑल प्लस सब्सक्रिप्शन दिस इज द लास्ट मंथ और ये फीक आपकी हाई होने वाली है क्या करना है अगर हम प्लान कर रहे थे तो आपके लिए बेस्ट इज गो फॉर वन स्टॉप सॉल्यूशन दैट इज कॉम्बो ऑफर ये आपके लिए उत्तम है ठीक अजीत लाइव कोड यूज करना है फॉर एग्जाम्पल ऑन टू ईयर सब्सक्रिप्शन आप फोर्टी थाउजेंड के आसपास के अमाउंट को गाइस सेव कर रहे हो ठीक सो सेविंग ऑफ फोर्टी थाउजेंड वन नाइनटी नाइन और थ्री ईयर में फिफ्टी टू थाउजेंड सेवन थर्टी थ्री का सेविंग हो रहा है ये आपको ट्वेंटी फिजिकल बुक्स ठीक टेसरीज ऑप्शनल प्री प्रीमे टॉप एजुकेटर्स ये सब आपको यहां पर मिल रहा है गाइज मेरे फ्रेंड्स आइकॉनिक में आपको वन टू वन बेटर गाइडेंस और मिलती है स्टडी प्लानर और मिलती है इस तरह के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आपको यहाँ रेफरल कोड अप्लाई करना है और अगर किसी को सिर्फ ऑप्शन लेना है तो फॉर वन ईयर फी इज ट्वेंटी फोर सेवन फिफ्टी आफ्टर यूजिंग कोड अजीत लाइव हेयर फ्रेंड्स गिव मी अग झमाझम थम्स एंड लेट मू नो यू गाइज आर रेडी फॉर देशन रमन कैसे हैं आप ठीक तो आप, से बैचेस स्टार्ट हो रही है तो आपको यूज कोड अजीत लाइफ फॉर दैट माइटर फ्रेंड्स तो आइए हम एक क्विक करते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था ओके okay. चलिए गए लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ताकि जो लोग कल नहीं आ पाए थे उनको भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आइडिया हो जाए मैंने फ्रेंड्स हमने क्या देखा बायोडाइवर्सिटी ठीक आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं हु द टर्म ए बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कल बताया था बी बायोडाइवर्सिटी दूसरा क्वेश्चन ट्वेंटी सेकेंड मे को आप इंटरनेशनल बायो डायवर्सिटी डे मनाते हो बिकॉज ऑफ ए स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस बी नेरोबी कॉन्फ्रेंस सी किगाली अमेंडमेंट, डी नन ऑफ द एबव स्टॉकहोम, नैरोबी की गाली नन क्या होगा ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं हम बात करेंगे आज प्रॉपर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की रिवीजन बायोडाटी सर्विसेज की मेजरमेंट की कंजर्वेशन की लॉस कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लॉस ऑफ बायोडिटी वाई देर इज लॉस ऑफ बायो डायवर्सिटी हम इस तरह की बात आपसे क्विक रिकैप में करने वाले हैं चाहे बात करें चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे रिवर हो चाहे फ्रेश वाटर लेक या पॉन्ड हो चाहे मरीन इकोसिस्टम हो चाहे रिवर और मरीन का जोन ऑफ ट्रांजिशन एस्टुरियो चाहे वो लैंड इकोसिस्टम हो जब भी आप बायोडाइवर्सिटी की बात करते हो तो वेराइटी वेरिएबिलिटी इन सारे फैक्टर्स पे फोकस करते हो क्या आपको याद आ रहा गाइस कल हमने डिस्कस किया था क्या ये पॉइंट आपको याद आ रहा है यस और नो गाइस आइए इन बातों को और समझते हैं मैडम फ्रेंड्स लेट मी नो ऑडियो वीडियो इज फाइन क्या एवी फाइन है आप जल्दी से मुझे बताएं। ए एवी इज फाइन यस और नो चलिए की बात हुई हिंदी में जैव विविधता आप देखते हो कि उस इकोसिस्टम में कुल कितनी स्पीशीज है और वो स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ठीक हमने ये भी समझा कि उस इकोसिस्टम में क्या रेट ऑफ इमाइग्रेशन है रेट ऑफ न्यू स्पीसीज इस्प्रिस्थ फॉर्मेशन स्पेसिएशन है रेट ऑफ ई है रेट ऑफ एक्सटेंशन है और फिर नेट इफेक्ट आप देखते हो कि उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी कैसी है आइए इन बातों को और समझने का प्रयास करते हैं तो मैंने आपसे बताया था कि बायोडॉसिटी इज मेजरमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेजम प्रेजेंट इन डिफरेंट इको सिस्टम आप इसे अलग अलग इकोसिस्टम में देख सकते हो हमने डॉ की बात की थी कि गेव द टर्म बायोडी विच वॉज कॉल्ड बाई विल्सन एज बायोलॉजिकल डायवर्सिटी टोटलिटी ऑफ जीन्स स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ गिवेन रिजन याद आया नो yes, गाइस no. फाइव पॉइंट्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है why tropics? कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू मैक्सिमम क्यों है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है फाइव पॉइंट्स मैंने आपको कल ग्लोब पे एग्जाम्पल देके समझाया था ए Vertical nature of insulation in coming solar edition. B. Intense temperature, high temperature, high rate of evaporation, hot, humid condition. Ancient ecosystem got long time for speciation. Take or namaste you or एंसियन इको सिस्टम वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन स्ट्रॉन्ग इंटेंस माइक्रोबल एक्शन हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। और मैंने आपसे बताया था कि अगर माइक्रोबल एक्शन हाई होगी तो कोई स्पीसीज वहां पर डोमिनेट नहीं करेगी है ना मनिकांत वेल्ड मणिकांत मैं आपके आंसर देख पा रहा हूं हाई वैल्यू ऑफ डोमिनेंस नहीं हो पाएगी तो डायवर्सिटी की वैल्यू हाई हो पाएगी क्या हम इन पॉइंट्स को रिकॉल कर पा रहे अगर हम में से कोई किसी पॉइंट को समझ नहीं पा रहा है तो हम परेशान नहीं होंगे वेल भद्र विपुभद्र डन ऑसम ऑसम रमन जबरदस्त गाइस सी फॉर्मेंस ऑफ रमन एंड एंड मनी इन तीनों में गाइस बिल्कुल झमाझम परफॉर्मेंस दी है मैं आपके आंसर्स देख पा रहा हूं तो इनके लिए एक बिग थम्सअप तो बनता ही गाइस तो बिग थम्सअप फॉर ऑल दिस थ्री गाइस गाइस लेवल में आपसे बात हुई जेनेटिक जब हम जेनेटिक डायवर्सिटी की बात करेंगे दैट मींस एक गिवन स्पीसीज में अलग अलग सब स्पीसीज प्रजातियों में रेसेस में किस लेवल का जीन का डायवर्सिटी है यह आप देखने का प्रयास कर रहे हो क्या हम इस बात को लिंक कर पा रहे गाइस मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर भारत के नेटिव वैरायटी वाइल्ड वैरायटी देसी फसलों की बात करें तो उनकी जेनेटिक डायवर्सिटी की वैल्यू हाई थी उनका टॉलरेंस का वैल्यू हाई था उनकी झेलन शक्ति की वैल्यू हाई थी और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनकी जेनेटिक डायवर्सिटी की वैल्यू कम है क्योंकि हमारा सारा फोकस उत्पादकता पे है प्रोडक्टिविटी पे है क्या हम इस बात को लिंक कर पा रहे हैं तो जेनेटिक डायवर्सिटी कि अगर मैं आपसे बात करूं एक टाइप्स ऑफ कि मैं आपसे बात करूं तो मैंने कहा भाई ए बी और सी ए में हम बात करेंगे जेनेटिक डायवर्सिटी बी में बात करेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी और सी में बात करेंगे को सिस्टम डायवर्सिटी आपके कंसेप्ट को मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं आप बिल्कुल परेशान ना हो और ध्यान से सुने जितनी जेनेटिक डायवर्सिटी की वैल्यू हाई होगी उतनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनका एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस उनकी टॉलरेंस ये वैल्यू इनकी हाई होगी आइए जरा हम इस बात को और समझते हैं कि कैसे एक सिंगल स्पीसीज की हाई वैल्यू ऑफ जेनेटिक गाइस, मैंने कल आपको रोलफिया सरपेंटाइना का एग्जाम्पल दिया था आप रिकॉल करके बताएं कि इस प्लांट को आप ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए यूज करते हो या ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज करते हो हाई या लो इस प्लांट को आप ब्लड इस प्लांट को आप ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इस्तेमाल करते हो जल्दी से मुझे आप इस पॉइंट को friends, समझाएं मैंने आपसे एग्जांपल दिया था कि इसकी जो पोटेंसी होगी इसकी जो पोटेंसी होगी वो आपको समझाएगी रेफरेंस तो हम इस बात को और समझने का प्रयास करेंगे माय इंडिया हैज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड वन थाउजेंड ये आपको अलग अलग जीन डायवर्सिटी का एग्जाम्पल दिख रहा है ठीक तो जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी की वैल्यू हाई उतना इनका टॉलरेंस की वैल्यू हाई उतनी उनकी एडेप्टेबिलिटी की वैल्यू हाई तभी हाई इल्डिंग को, चूंकि उनकी टॉलरेंस कम है तो आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब इनको प्रोवाइड कर रहे हो फ्रेंड्स तभी तो अगर मैं फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करूं अगर मैं हरित क्रांति के नकारात्मक पक्ष की बात करूं चूंकि जिन गेहूं के फसल को हमने मैक्सिकन वैरायटी को डाय स्वामीनाथन लेकर आए उसकी टॉलरेंस कम थी तो हमने क्या क्या वेस्टर्न यूपी और पंजाब के जो धनी और संपन्न किसान हैं, उन्होंने खूब केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब ऐड किया और सारे केमिकल्स प्लांट के बॉडी में स्टोर थी और जब आप इस अनाज को खाओगे फसल को खाओगे तो ये अनाज फसल आपके बॉडी में केमिकल स्टोर होंगी और इस तरह गाइस पंजाब बना कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया ओ माय गॉड ये तो हम सोच भी नहीं पाते कि हमने एनवायरमेंट को क्या दिया हमने नेचर को क्या दिया और बदले में हमें गिफ्ट रिटर्न क्या मिला ये बात हमें समझने की सख्त जरूरत है और फिर कल मैंने आपसे बताया कि जब स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो हम दो पक्ष पे फोकस करेंगे कितनी यहां पे जातियां हैं स्पीशीज रिचनेस वैरायटी कॉम्पोनेंट और किस कदर उनका वितरण है कैसा उनका स है कैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा उनका डिस्पर्जन है ये सारी बातें और फिर मैंने आपको बताया कि गाइस आप कमेंट लिख के बताना कि अगर दो इकोसिस्टम है इकोसिस्टम ए इकोसिस्टम बी दोनों के पास फाइव टाइप की स्पीसीज है फाइव टाइप्स पांच प्रकार की दोनों के पास हंड्रेड इंडिविजुअल है सौ व्यक्ति दोनों में है अब इस सौ में से अगर स्पीशीज एक एट्टी नंबर का है और इसमें पांचों लगभग बीस 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 है तो इवेरनेस इवेरनेस की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ए और बी मैं रिपीट कर रहा हूं दोनों में फाइव टाइप ऑफ स्पीसी दोनों में हंड्रेड इंडिविजुअल्स पांच जातियां सौ व्यक्ति कुल ए में कोई एक जाति अस्सी नंबर का है अस्सी इंडिविजुअल्स हैं बी में पांचों लगभग बीस बीस के बराबर है तो कहां पे डाइवर्सिटी की वैल्यू हाई होगी कहां पे इवेरनेस की वैल्यू हाई होगी गाइस बट ऑबियस ए में डोमिनेंस की वैल्यू हाई होगी स्पीसीज वन इज डोमिनेटिंग तो यहां पर डायवर्सिटी की वैल्यू कम होगी बी में पांचों इक्वल नंबर में है इवेनेस की वैल्यू हाई है दैट मीनस डायवर्सिटी स्पीसीज डायवर्सिटी की वैल्यू हाई है क्लियर क्या हम सब इस बात को समझ पा रहे हैं यस और नो फ्रेंड्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन एक बात आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें फ्रॉम टूमोरो कल से थोड़ी आपके इस लाइव सेशन की टाइमिंग चेंज हो रही है फ्रॉम टूमोरो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट सेशन एट टेन पी एम बहुत से लोगों का व्हाट्सएप आया कि सर रात में नींद आ जाती है अच्छा ऐसा है क्या सर झमाझम नहीं हो पा रहा है अच्छा ऐसा है क्या कोई बात नहीं मैं आधे घंटे सेशन को प्रिपोन करके कल से 10 पीएम इसे करूंगा तो गाइस बी केयरफुल आज जो हमने सेशन 10:30 स्टार्ट किया है कल से हम 10 पीएम मिलेंगे क्या आप क्या आप ठीक हो रेडी हो कोई दिक्कत तो नहीं ठीक चलिए गाइज इस बात को मैं लिंक आपके साथ टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा तो फ्रॉम टुमारो गाइस मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे 10 पीएम और गाइस ऑन कमिंग मंडे हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पूछे हैं वो हम करने वाले हैं गेट रेडी फॉर दैट फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कल 6 पी एम एट पी एम के फ्री स्पेशल क्लासेस में अगस्त महीने का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे रेडी लिंक अगेन आपको चैनल में मिल जाएगा मैं शेयर कर दूंगा So गाइस हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे कि इसमें कितनी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट हैं? वेस्टर्न घाट के पास हाई वैल्यू ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी सो फॉर एम्फीबियंस आर कंसर्न टू कॉम्पोनेंट स्पीसी रिचनेस और रिलेटिव एबंडेंस गाइस, अगर मैं रिचनेस की बात करूं तो अगर ये लैंड इकोसिस्टम है तो आप ऐसे देखते हो नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया अगर ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो आप देखते हो नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट वॉल्यूम आप ऐसे देखते हो फिर उसकी रिचनेस के बाद आप उसका देखते हो इवेननेस अभी मैंने आपको समझाया कि अगर जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग बराबर हो स हो वहीं पे डायवर्सिटी के वैल्यू व्हेन स्पीशीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर उनका वितरण लगभग एक समान हो तो उनकी हाई वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी होगी गाइस और अगर मैं इकोसिस्टम सिस्टम डाइवर्सिटी की बात करूं तो विठेकर ने कंसेप्ट दिया विठेकर ने कहा कि इको सिस्टम डायवर्सिटी को आप तीन तरीके से बांट सकते हो ए अल्फा डाइवर्सिटी अभी समझ लो ए इज अल्फा एज ए लिखते हो आप अल्फा डाइवर्सिटी बी इज बीटा डाइवर्सिटी पूरा याद करा के समझा दूंगा सी इज गामा डाइवर्सिटी मटे फ्रेंड अगर मैं अल्फा की बात करूं तो आपके पास की पॉइंट है विद इन इकोसिस्टम क्या की पॉइंट है विद इन इकोसिस्टम उस इकोसिस्टम के अंदर अगर मैं बीटा की बात करूं बिटवीन इकोसिस्टम बहुत रिलैक्स बैठेगा बिटवीन इकोसिस्टम और गामा की बात करूं तो ओवरऑल डायवर्सिटी माय फ्रेंड्स अगर इस बात को हम और ध्यान से समझें अल्फा डायवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम मैंने कभी इस क्रॉस सेक्शन ऑफ मरीन इकोसिस्टम का अल्फा डायवर्सिटी की वैल्यू कितनी है गाइस समझने का प्रयास करेंगे ठीक क्लियर है अगर मैं बीजा की बात करूं मैंने कहा भाई अगर हम डेजर्ट इकोसिस्टम से इस मरीन इकोसिस्टम में आए इस बी अल्ट्रा एटेंटिव नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुल अगर हम यहां से यहां गए ए से बी गए बी से ए में आए तो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट जातियों के रिप्लेसमेंट का दर क्या है रेट ऑफ रिप्लेसमेंट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ डिफ्रेंसिएटिंग और बीटा डायवर्सिटी वो तय करेगा मतलब इसे आप और क्या समझोगे मैंने कहा भाई जितना अलग अलग दो इकोसिस्टम जितना डिफरेंट होगा जितना हेट्रोजीनस होगा जितना भिन्न होगा जितनी रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज हाई होगी उतनी बीटा डायवर्सिटी की वैल्यू हाई होगी क्या गाइस हम ये बात समझ पा रहे हैं। तभी आप बीटा डाइवर्सिटी को डिफरेंसिएटिंग डायवर्सिटी बोलते हो जितने दो तो इकोसिस्टम के जोड़े पेयर आपको रिजेंबलिंग होंगे क्लोजली मैच करेंगे उतनी बीटा डायवर्सिटी की वैल्यू कम होगी और फिर हम अल्फा की बात समझ चुके हैं काउंटिंग नंबर ऑफ स्पीसी इन पार्टिकुलर इको सिस्टम जेनेटिक तरह तरह के आपको दिख रहे हैं स्पीसीज नंबर ऑफ स्पीसीज इको सिस्टम अल्फा विद इन इकोसिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव रिचनेस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एलोंग अ ग्रेडियंट फ्रॉम वन हैबिटेट टू एनदर विद इन ए कॉम्युनिटी विच इज मेनली बिकॉज ऑफ इन फिजिकल ऑफ हैबिटेट मैंने आपको समझाया था कि अगर आप अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ट्रॉपिकल सवाना की तरफ जा रहे हो तो क्या रेट है प्लांट का एनिमल का रिप्लेसमेंट का ट्रॉपिकल सवाना से आप टुंड्रा की तरफ जा रहे हो तो क्या रेट है रिप्लेसमेंट का जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिप्लेसमेंट उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ बीटा डाइवर्सिटी इसीलिए आप इसे डिफ्रेंटिंग डाइवर्सिटी बोलते हो आप सी अल्फा डाइवर्सिटी विद इन इको सिस्टम बीटा रेट ऑफ रिप्लेसमेंट गामा ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ गिवेन गाइस इस तरह की बातों को हम बहुत क्लियरली समझ चुके हैं क्लियर क्या हम जेनेटिक स्पीसीज इकोसिस्टम अल्फा बीटा गामा इसमें हमें से किसी को कोई डाउट मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल डायवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन आर इकोलॉजिकल रीजन विथ कैरेक्टिस्टिक्स फ्लोरा एंड फोना बाउंडेड बाई नेचुरल डायवर्सिटी ठीक और फिर हमने क्या देखा डायवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जोग्राफिकल एरिया गाइस अगर मैं किसी बायसिटी ऑफ ए कॉन्टिनेंट विथ इट्स सीज़ ओशंस लेक्स रिवर्स माउंटेन प्लेन एंड फॉरेस्ट ओवरऑल आप इस महाद्वीप के इस महाद्वीप के इस कॉन्टिनेंट के कंप्लीट बायडेसिटी कॉन्टिनेंट का सी का ओशन का रिवर का माउंटेन का प्लेन का फॉरेस्ट का ओवरऑल इट कम्स अंडर गामा डायवर्सिटी क्या इतनी बात समझ पा रहे यस और नो क्लियर गाइस ये कोर्स आपके प्रलिम से ठीक वन वीक से पहले ही कंप्लीट कर दूंगा विथ करेंट अपडेट्स चलिए गाइस अगर मैं बायोडावर्सिटी की बात करूं कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ट्रॉपिक से आप अगर पोल की तरफ जाओगे द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस इट इज नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट अगर मैं रेन फॉरेस्ट की बात करूं वेट क्लाइमेट फॉर लॉन्ग टाइम हैव हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसकी बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू हाई है किसकी ट्रॉपिकल रेन फॉर थ्री टीयर्स ऑफ ट्रीज पेड़ों का तीन परत फिर क्लाइंबर्स इपिफाइड्स पुअरली डेवलप ग्रासेस क्यों लाइट बिकम्स हाईली लिमिटिंग क्यों क्योंकि डेंस वेजिटेशन है क्लोज कैनोपी है। अगर मैं लेटीच्यूड की बात कर रहा था तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, तो बायोडायवर्सिटी घटेगी। ठीक माउंटेन पे टॉप पे जाओगे तो बायोडायवर्सिटी घटेगी हमने आज रिवाइज कर लिया कि ट्रॉपिक्स के पास बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम है और अगर हम ध्रुव की तरफ जाएंगे पोल की तरफ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ बायोडावर्सिटी घटेगी क्या हम इतनी बात समझ पा रहे ठीक यस तो मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल डायवर्सिटी स्पीक्स ऑफ द टोटल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट देर आर नियरली हंड्रेड मिलियन लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ ओ माई गॉड लिसन केयरफुली आउट ऑफ हंड्रेड मिलियन लिविंग फॉर्म्स वन पॉइंट टू फाइव मिलियन स्पीसीज देर आर स्टिल लॉट ऑफ स्पीसीज दैट है अभी बहुत खोजने और जानने और समझने की जरूरत है ठीक अगर हम इसके मैग्निट्यूड की बात करें अगर हम देखें तो इन वॉटिवरेड्स जिनके पास रीण की हड्डी नहीं है वॉटिवरेड्स प्लांट्स इन सब का एक जबरदस्त वैरायटी अवेलेबल है इन वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स आर फॉर्मिंग लार्ज ब्लॉक वर्टिब्रेट्स में फिशेस मछलियां बड़े ब्लॉक को बना रही हैं प्लांट में एंजियोस्पर्म और फंजाई कवक फफूंदी ये बड़े ब्लॉक को बना रहे दैट मींस इनकी वैल्यू ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई है गाइस अगर हम देखें तो कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लॉस ऑफ बायोडावर्सिटी इस बात को हमें समझने का ठीक समझने की हमने बहुत प्रयास की कि भाई मोर देन हाफ द स्पीशीज लिव इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विच कैन बी फाउंड ऑन सेवन परसेंट ऑफ द लैंड सर्फेस बहुत ध्यान सुनना गाइस। दैट मींस मिनिमम स्पेस मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी तभी तो आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हो ये क्यों हो पाया ऑप्टिमम क्लाइमेट सोयल टोपोग्राफी लो रेट ऑफ एक्सटेंशन हाई रेट ऑफ स्पेशिएशन नई जातियों को बनने का दर ज्यादा है क्यों एंशियन इकोसिस्टम है अगर मैं इंडियन डायवर्सिटी की बात करूं इंडिया इज रिकोगनाइज एज वन ऑफ मेगा डाइवर्स कंट्री रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज अब जरा इंडिया के मेन पॉइंट्स देखिएगा टॉपिक आपके इंडियन जोग्राफी का भी और एनवायरमेंट का भी दोनों जगह का ओवरलैपिंग है 2.5 परसेंट ऑफ लैंडमार्क लगभग 17 परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 18 परसेंट लाइव स्टॉक एट परसेंट ऑफ वर्ल्ड बाय आजकल यूपीएससी क्या करती है कुछ डाटा को चेंज कर देगी और आपसे क्वेश्चन पूछेगी ठीक तो हैव लुक ऑन स्क्रीन अगर मैं इंडिया के एंडेमिक सीमित बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो क्या हाल इंडिया के डायवर्सिटी का है हम देख भाई एट परसेंट ऑफ वर्ल्ड डायवर्सिटी एटीन परसेंट स्टॉक और हम सब मानव संसाधन के धनी है रिच इन ह्यूमन पॉपुलेशन ठीक ये बात आप जानते हो और गाइस हमारे पास इंडिया इज टोटली प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर 329 ट्वेंटी नाइन मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट फिजोग्राफी माउंटेन भी है प्लेटू भी है प्लेन भी है ठीक आइलैंड भी है कोस्टल एरिया भी है इंटीरियर लोकेशन भी है तो हमारे पास डायवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है वन ऑफ एट वेवन सेंटर सेंटर ऑफ ओरिजिन हमारे पास एक अगर मैं प्लांट और एनिमल स्पीसीज की बात करूं तो सेवेंट एट परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड रिकॉर्डेड स्पीसीज तो वेविलो के जो आठ सेंटर्स से हैं ये आपको दिख रहे हैं इन आठ में इंडिया एक सेंटर है बिकॉज सेंटर ऑफ ओरिजिन क्योंकि स्पीसीज कुछ यहां पे ओरिजिनेट हुई है होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइगर वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन एक यूनिक असेंबलेज आपको देखना है कि आपको कमेंट लिखना है कौन से राज्य के पास कौन से स्टेट के पास इनकी और इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है आप नाराज ना हो मैं आप ही की बात कर रहा हूं ठीक एशिएटिक लाइन की बात करें एलिफेंट की बात करें वन हॉर्ड राइनो की बात करें गैजिक रिवर डॉल्फिन की बात करें स्नो लियोपॉर्ड की बात करें अभी हाल ही में लद्दाख ने डिकलेयर किया है स्नो लियोपॉर्ड को अपना स्टेट एनिमल जब मैं अगस्त महीने का करंट कराऊंगा तो आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगा इसके बारे में डिस्कशन करूंगा ओके गाइस गैंगस्ट्रिक रिवर गंगाई डॉल्फिन इसे आपने डिक्लेयर किया है एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल किसे गैंगस्ट्रिक डॉल्फिन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि ये फिशेस में आएगा या मैमेल में आएगा ए दूसरा फिशेस में आएगा या मैमेल में आएगा दूसरा स्नो लियोपार्ड क्या है इसका आई यू सी एन स्टेटस क्या यह वल्नरेबल है या एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कश्मीर स्टैग नाम लेते आपके माइंड में कौन सी सेंचुरीज आ रही हैं ये सारी बातें हम लोग कल प्री स्पेशल क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं गाइस सो सेशंस गोइंग टू बी ऑसम अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूं आप गुजरात से लेकर तमिलनाडु के कोस तक टिप तक देख रहे हो वेस्टर्न घाट रिच इन बायोडावर्सिटी तापी रिवर इन द गुजरात 1600 हंड्रेड किलोमीटर्स ट्रू स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र गुजरात गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु कन्याकुमारी टिप ऑफ तमिलनाडु रिच इन बैडस्टी वन ऑफ फोर हॉट स्पॉट ये आपको वेस्टर्न घाट की ऑसम ब्यूटीफुल इमेजेस दिख रही है माय फ्रेंड्स हम आगे और समझेंगे अष्टमुड़ी दोदा बेटा मुकुर्ती कोदई के नाल 5000 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मैमल्स स्पीशीज 139 508 बर्ड स्पीशीज एम्फीबियंस दैट मींस ग्लोबली 13 स्पीशीज का 325 नंबर इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मन मायर ने इसे डिक्लेयर कराया था एज वन ऑफ हॉट स्पॉट ऑफ बायो डाइवर्सिटी गाइस कुल थर्टी फोर जो स्पॉट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है क्या उसमें से जो चार इंडिया के पार्ट को टच कर रहा है वन इज वेस्टर्न घाट सेकेंड इज ईस्टर्न हिमालय थर्ड इज पूरक पूरा नॉर्थ ईस्ट फोर्थ इज अंडमान एंड निकोबार आइए देखते हैं कि कौन कौन से हॉट स्पॉट्स के ये पार्ट है इस पर चर्चा करेंगे एक गाइस हम बात करेंगे आपसे व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं पहले इस बात को क्लियर करते हैं अगर मैं बात करूं गाइस आपसे तो ये देखिए आप लिसन वेरी वेरी केयरफुली सुंडा लैंड इस सुंडा लैंड के तहत ही अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट इंडो म्यांमार से आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट दिख रहा है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका और फिर ईस्टर्न हिमालय, हिमालय रेंजेस में आ गया वन टू थ्री है ना एंड फोर ये चार आपको स्पॉट इंडिया के पास दिख रहे हैं अगर मैं किसी भी रिजन को हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी कहूं तो कुछ इसके पॉइंट्स होंगे जो तय करेंगे कि वो हॉट स्पॉट क्यों है हाई वैल्यू ऑफ बायोडास्टी सेकेंड हाई डिग्री ऑफ एंडमिजम जातियां सीमित हैं थर्ड हाई डिग्री ऑफ थ्रेड जिसे आप हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में देख रहे हो Guys, कौन सी स्पीशीज है लायन टेल मकाक ऑफ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय अगर मैं ईस्टर्न हिमालय की बात करूं तो भूटान नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सदन सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल टुगेदर हिमालय माउंटेन इज द वर्ल्ड यंगेस्ट एंड होम टू हाइएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और केट ये आपको भूटान ये आपको रीजन दिख रहा है ये माउंट एवरेस्ट आपको दिख रहा है नेपाल में ठीक सो गाइस हिमालय में ईस्टर्न हिमालय इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट ऑफ बायो डाइवर्सिटी और फिर हमने इसकी चर्चा की है आपके लिए फेमस वन हॉर्न राइनो वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहां पे आपको दिख रही है फाइव फैमिलीज ऑफ प्लांट्स. इतने अजीब नाम आपको याद नहीं होंगे एक बार इसे आप देख लें सेंट्रेसी ये प्लांट है इमेज से शायद आप एक बार सुन पाए इसके तंत्र को टेम्ट्रा को देख पाए दूसरा हमेलिडिय ब्यूटामेसी अजीब अजीब क्वेश्चन पूछने लगी है अब यही नाम दे दें ब्यूटा मेसी हेमेल ये क्या है जैसे पिछली बार बर्ड्स के बारे में पूछा हो सके प्लांट ही पूछ ले स्टेक्यूरेसी इस तरह के हिमालयन क्वेल बर्ड है कुछ एंडेमिक बर्ड है जिसमें हिमालयन बर्ड आ रहे हैं चेयरप्रीजे वेस्टर्न ट्रोपगन इस तरह के नाम आपको गाइस देखने को मिलेंगे सावला बोवाइन आप इमेज देखते जाएं गोल्डन लंगूर हिमालयन टहर एशिएटिक वाइल्ड डॉग गौर ब्लैक बियर ये सब आपको इंपॉर्टेंट यहां पे एनिमल्स दिख रही हैं दैट इज वाई दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी खुश तो ये लोग बड़े हैं आज कि हमारे भावी आई ऑफिसर्स इनके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो पर्ट ब्लू शिप गैंसी डॉल्फिन वाइल्ड वाटर बफेलो टाकिन ब्लैक बियर सो रीजन इज दैट इज व्हाई एंड हाउ नाम दफा फ्लाइंग स्क्रल क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑनली फ्रॉम अगल नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फिर मैंने आपसे इंडो म्यांमार की बात बताई और गाइस सुंडा लैंड मैंने आपको बैर पर दिखाया और बताया कि कैसे अंडमान निकोबार का पार्ट इज कवरिंग इन द सु हॉट स्पॉट थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर बुनई और इंडोनेशिया इंडिया का निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज अंडर दिस दिसरलैंड सुन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आज मैं सेशन को यही बाइंग करूंगा कल हम लोग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील करेंगे अब टाइमिंग चेंज होगी मंडे टू फ्राइडे हम लोग मिलेंगे टेन पी ध्यान रखेंगे कल आपसे मुलाकात लाइव होगी और सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी मैं हंड्रेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लेकर आऊंगा और स्पेशल क्लासेस में भी हम और करेंट अपडेट्स आपको देते रहूंगा गाइस आप अपना बहुत ख्याल करें ठीक अनकैडमी के किसी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड यूज करना है अजीत लाइव ठीक आप गूगल क्रोम पे अजीत लाइव टाइप करके देख सकते हो 10% डिस्काउंट के साथ-साथ प्रॉपर आपको मेंटरिंग मिलेगी सो दिस इज गोइंग टू बी योर रेफरल कोड कोड ऑफ सक्सेस कोड ऑफ डिस्काउंट कोड ऑफ डायरेक्शन कोड ऑफ डेडिकेशन एंड कोड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दैट इज योर कोड ऑफ सक्सेस आप इस बात को समझें गाइस ऑलवेज बी पॉजिटिव एक सकारात्मक पक्ष के साथ आप आगे बढ़ें ऑलवेज आपको सफलता मिलेगी अपना बहुत ख्याल रखें कल मिलेंगे सिक्स पी एम और एट पी एम इन फ्री स्पेशल क्लासेस लाइव क्लासेस इसी कोड से आपको अनलॉक करना है और फिर मिलेंगे यूट्यूब पे टेन पी एम गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय थैंक यू